वेलकम टू देसी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रोकली स्मोकी आलू। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक कर लीजिए। जैसा आपने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में देखा, मेरे पास है ब्रोकली, आलू, प्याज कटा हुआ, थोड़ा सा टमाटर कटा हुआ, हरी मिर्च चॉप किया, धनिया, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, लहसुन और थोड़ा पेपर और नमक अपने स्वाद के अनुसार, धनिया कटा हुआ। गैस ऑन करके डाल रही हूँ। इसमें मैं मस्टर्ड वाइट थोड़ा सा डाली हूँ। मैं इसमें आलू जो कटा हुआ है इसको मैं फ्राई करूँगी हल्का सा। ब्रोकली सेहत के लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है। आलू देखिए हल्का फ्राई हो रहा है, ऊपर से कर लूंगी आलू को। ये देखिए आलू हल्का फ्राई हो गया है, हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे इसको, इससे अच्छा पक जाता है। अब ये आलू जो हल्का फ्राई हो गया है, मैं इसको या वो आलू को निकाल लूँगी, आलू को मैं इसको अब निकाल लूँगी। ठीक है, इसमें मैं थोड़ी सी हींग डाली है। अब मैं इसमें हल्का सा फ्राई करूंगी। अब इसमें मैं ब्रोकली डालूंगी। ब्रोकली मैंने हल्का सा गर्म पानी से निकाल लिया है। ब्रोकली सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, हार्मोनल ऑर्डर के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये बहुत ही पौष्टिक होता है। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूंगी, कुक करूंगी। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। हरी मिर्च डालूंगी, ये ब्रोकली का कलर देखिए कितना हरा हरा अच्छा दिख रहा है। हल्का हल्का इसको कुक करूंगी। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, धनिया पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा जो मैंने गोल मिर्च पाउडर सबको मिलाते हुए इसको कुक करूंगी। आप मटर के साथ भी इसको ट्राई कर सकती हैं, लेकिन आलू और इसके साथ मैंने आज इसको बनाया है। कटा हुआ टमाटर डालूंगी और गरम मसाला डालूंगी इसमें। अब इसमें जो मैंने कटा हुआ फ्राई किया हुआ आलू है उसको डालूंगी धीरे धीरे, धीमी आंच पे इसको कुक करूं। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है। इसमें अब हल्का सा पानी, हल्का सा पानी डालूंगी और नमक स्वाद के अनुसार आप डाल सकती है। इसमें नमक डाला है, नमक स्वाद के अनुसार डाला है और इसको फिर से चलाते हुए पकाऊंगी। ट्राई करेंगी, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसमें हल्का पानी डाल करके मैं इसको ढक के पकाऊंगी। ऐसा पानी मैंने डाल दिया है इसमें,
लगभग कुक हो गया है, ये देखिए इसका कलर आ गया है, कुक हो गया है ये। अब इसमें मैं एक दो चम्मच टू टेबल स्पून मैं इसमें सॉस डाल दूँगी, देखिएगा बहुत ही टेस्टी है लगेगा। टमाटो सॉस पर मैं इसमें टू टेबल स्पून टमाटो सॉस डाल करके कुक की हूँ। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसका। ब्रोकली सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मैं अब देखिए बन गया है ये, मैं अब स्मोकिंग का प्रोसेस करूँगी, ठीक है। मैंने इसमें एल्युमिनियम फॉइल रखा है और उसके ऊपर जलता हुआ अंगारा डाल दिया है और हल्का सा इसमें ऑयल डाल दूंगी और गैस ऑन करके इसको मैं ढक के पकाऊंगी। इसमें बड़ा अच्छा स्मोकिंग सा फ्लेवर आएगा जो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। एक जलता हुआ ऑयली का टुकड़ा डाल दिया ये और इसको ढक दी। मिनट हो गया है, अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। मैं इसको धीरे से निकाल दूंगी, इसको कटा हुआ धनिया डाल दूंगी। अब ये तैयार हो गया है, मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो भाई फिर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही टेस्टी दिखने में लग रहा है, आप ट्राई करके देखेंगे जरूर पसंद आएगा। थैंक यू फ्रेंड, अगले वीडियो के लिए बाय बाय।